ये मैच देख के तो दिल गार्डन गार्डन हो गया था कसम से। उसके बाद हर चीज प्यारी लगती थी, ये सारे लोग प्यारे लग रहे थे, घर का रास्ता प्यारा लग रहा था, और बारिश वो तो फिर अपनी फेवरेट है ही ना। बड़ी सुकून की नींद आई उस रात, ख्वाबों में भी मैच की हाईलाइट चल रही थी। मैं खुदा की कसम तेरे ख्वाबों में आऊंगा, तू देखी उतर के। 27 February 2022 किसी तरह। देखिए मेरा यही रोना होगा, टिकट नहीं मिल रही। और इस कहानी में दो स्ट्रगल दिए हैं, वहां टीम का मैच जीतना और यहां मेरा टिकट खरीदना। खैर जहां भी पता किया 9-10 हज़ार से कम की टिकट नहीं मिल रही थी, तो फिर एक जगह पे काफ़ी रीजनेबल प्राइस मिली, मैंने फ़ौरन डन कर। लेकिन टिकट 5 बजे मिलनी थी स्टेडियम जाके, तो मैंने सोचा खैर है कॉमर्स लाइन, बाकी मैचेस की टिकट भी इसी टाइम में मिलनी थी, तो मैं पहुंच गया स्टेडियम 5 बजे। दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ इज कॉल्ड खुआरी। जी अभी तक ठीक गैस कर लिया होगा आपने, टिकट नहीं मिली वहाँ जाके। इन तीनों मैचेस की जो टिकट्स मुझे मिली हैं ना, वो आप समझ लें कि अल्लाह ने गैब की मदद ही भेजी। हम वहाँ पे खड़े हुए थे ऑन 7:20, हम मतलब मैं और अलीम माय फ्रेंड, ये भी साथ था मेरे। 7:30 मैच स्टार्ट होना था और दो भाई खुद आए हमारे पास और कहते हैं कि आपको टिकट चाहिए, हमारे पास 2 एक्स्ट्रा हैं। हमने उनका पहले माथा चूमा, फिर उनको पैसे पकड़ाए और भागे एनक्लोजर की तरफ टिकट लेके। ऐसे नहीं भागे, माथा चूम के। हो गया आज फिर से सीन हो गया, भाग रहे हम पर शूटर। अब वापस आते हैं फॉर द वन लास्ट टाइम। 27 February 2022 बिग डे, लाहौर वर्सेस मुल्तान, आईज ऑन द प्राइज, एंड दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ इज कॉल्ड रिडेम्पशन। हमने मुल्तान से तो हिसाब बराबर करना ही था, लेकिन उसके साथ साथ उन सब लोगों से भी जिन्होंने हमेशा लाहौर की काबिलियत पे शक किया, हमारा मजाक उड़ाया, सबकी तबीयत सेट कर दी थी। हम जब पहुंचे तो 40 पे 3 आउट थे, हो तो वैसे 25 पे गए थे 3, लेकिन हफीज भाई वाज देयर कैरिंग द टीम। पर बात वही है, लाहौर कलंदर आपका मूड एक सेकंड में यहां से यहां ले जाते हैं। इतनी एक्सप्रेशंस की रेंज नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नहीं होगी जितनी लाहौर के एक फैन की। 17.2 ओवर्स में 137 स्कोर था गाइस जब हफीज भाई आउट हुए, और फाइनल के हिसाब से मेरा नहीं ख्याल कोई अच्छा स्कोर था ये उस टाइम। लेकिन फिर आए लाहौर का मैच और मूड दोनों सेट करने लाहौर के बिग बॉयज, बड़े लड़के, वही अपना हैरी और डे, नहीं 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 रिदम है, रिदम है। आखिरी 3 ओवर्स में 44 मारा होगा शहजादा ने, मजा आ गया। टारगेट 181 और गेम फुल किस्म की आ।
मुल्तान ने स्टार्ट तो अच्छा खासा लिया, मतलब पहले 3 ओवर्स बाद सांस खुश्क हो गया था थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। पर हफीज भाई गेम में फिर से आ गए, वो नहीं पकड़े जा रहे थे। और फखर भाई गुड फील्ड, मुल्तान ने काफी कोशिश की ग्राउंड के अंदर भी और बाहर भी, लेकिन आज लाहौर का दिन, विकेट साइज साइज तक गिरती जा रही थी और शोर बढ़ता जा रहा। और आखिरकार आया वो मोमेंट जिसका हर लाहौर कलंदर्स के फैन को सालों से इंतजार था। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्टेडियम के मैच की सारी गेम उसके माहौल में होती है। आप माहौल समझ लें जरा। आखिरी बार लाहौर की अपनी टीम, अपना स्टेडियम जिसमें लाहौरी भरे पड़े, जैम पैक्ड, 6 बॉल्स, 43 रन्स, 1 विकेट लेफ्ट, और क्राउड से सिर्फ एक आवाज आ रही, द चैंपियन ऑफ PSL सीजन 7। इन दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ, दिस लिटिल पार्ट इज कॉल्ड हैप्पीनेस। लंबा सफर था, जस्तजू का सफर, खुशी की तलाश का, pursuit of happiness। और खुशी सिर्फ मेरी नहीं, मेरे शहर की, इसके लोगों की और इस टीम की 7 सालों की मेहनत की। और सबर का फल मीठा होता है, ये फिर से सीखा मैंने लाहौर को लाहौर में चैंपियंस बनते हुए अपनी आंखों से देखा। ये रात, ये खुशी, ये नारों से गूंजता हुआ कजाफी स्टेडियम, और वो तीसरा प्लेऑफ जीतने के बाद बारिश में घर तक की ड्राइव, सारी ज़िंदगी याद रहेंगे मुझे। शहरोज, हमजा भाई, समनाबाद वाले अंकल, ये मुल्तान से आए कुछ लोग, और ये बच्चा जिसने बाजा बजा बजा कर मेरे कान फाड़ दिए, सारी जिंदगी याद रहेंगे मुझे। सुडियर लाहौर कलंदर, आई एम फॉर एवर अ फैन एंड यू आर मोर देन जस्ट अ टीम फॉर मी। शुक्रिया इन खूबसूरत यादों का, उन पूरे किए गए वादों का। शुक्रिया लाहौर कलंदर्स।